मानवी बरेजा है, आई एम बेसिकली फ्रॉम पानीपत, हरियाणा से मैं बिलोंग करती हूँ. और फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स देखी थी प्रॉपरली समझने के लिए, देखी तो मैंने 2-3 बार थी, है ना. आपके साथ भी शायद हुआ होगा, अरे मैंने फॉरएवर देखी हुई है, मैं पहले से फॉरएवर को जानता हूँ, मेरा दोस्त भी करता है, तो मेरे भी ऐसे बहुत सारे जानकारी में लोग करते थे. बट जब मैंने इसको बैठ के अच्छे से अंडरस्टैंड किया, दैट वॉज 2017 जून, वो दिन था एक 12 जून 2017, मैंने इस चीज को अच्छे से समझा, अंडरस्टैंड किया और डिसीजन लिया कि एटलीस्ट आई शुड ट्राई इट वंस. ऐसी क्या अपॉर्चुनिटी है जो इतने लोगों की लाइफ चेंज कर रही है. और बैकग्राउंड की बात करूं मैम, मैं एक बहुत मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ, कोई बहुत बड़ी जगह से नहीं आती. मेरे फादर एक शॉपकीपर है, एक शॉप है उनकी, है ना. और बहुत मिडिल क्लास फैमिली से, बहुत सिंपल सी लाइफ जी है हमने हमेशा से. एक फार्मेसी अपनी पढ़ाई कर रही थी मैं, और इवन पढ़ाई के अंदर काफी ज्यादा एकेडमिक्स के अंदर काफी एक्सीलेंट थी, रीजन बीइंग कि मुझे लाइफ के अंदर कुछ करना था. तो जब कुछ करना था तो मुझे पता था कि आई हैव टू बी रियली गुड एट समथिंग, मुझे किसी चीज में तो गुड होना ही पड़ेगा, चाहे वो रियल लाइफ है या फिर, चलो मेरे को पता था मनी तो इतनी नहीं है, फैमिली स्ट्रांग, तो मैंने सोचा कि मैं यार पढ़ाई अच्छी करूं ताकि अपनी लाइफ में कहीं आगे पहुंच पाऊं. वो आज पता लगता है कि वो चीज इतनी काम नहीं आई, बट काफी पढ़ाई करी मैंने. आई वॉज द यूनिवर्सिटी टॉपर, गोल्ड मेडलिस्ट इन पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी जलंधर कपूरथला. तो इस तरीके से मैं इस बैकग्राउंड से आई हूँ. ठीक है, तो थोड़ा सा मैं भी आपको अपने बारे में बताना चाहूंगी, है ना। देखो, जब मैंने भी बिजनेस को स्टार्ट किया था आज से 4 साल पहले, है ना ऑलमोस्ट, और 2017 मैंने जनवरी में ये कंसेप्ट को देखा था और फरवरी में मैंने इसको स्टार्ट करना स्टार्ट किया था, ठीक है। तो उस टाइम पे एक चीज क्लियर जो होगी थी इस बिजनेस को देख के, वो ये चीज थी कि मार्केट के अंदर कहीं ना कहीं, क्योंकि हम देखो स्टडीज करते हैं हम सारे, है ना, सारा कुछ करते हैं, बट प्रैक्टिकली देखा जाए हमें कभी नहीं बताया जाता मार्केट में आपको कैसे चैलेंजेस मिलेंगे, मार्केट में क्या चीज होगी, है ना. दे जस्ट टेल यू अबाउट द स्टडीज जो जिससे रिलेटेड आप काम करते हैं, है ना, जिससे रिलेटेड आप वहां पे स्टडी करते हैं, फीस भरते हैं, और उसके बाद बस सीधा प्लेसमेंट स्टार्ट होती है. प्लेसमेंट के अंदर भी कंपटीशन फील नहीं होता, मतलब ये चीज है कि हाँ वहां पे पर्सन बहुत सारे होते हैं बट मार्केट को क्लियर नहीं किया जाता. तो यहाँ की मुझे मार्केट क्लियर हुई थी एग्जैक्टली कि यहाँ पे आके एक्चुअल में किस तरीके से मार्केट वर्क कर रही है और हम कहाँ स्टैंड अप करते हैं, फ्यूचर कैसे हो सकता है, हम सोच क्या रहे हैं और फ्यूचर है कैसा, है ना. वो चीज यहाँ आके मुझे क्लियर हुई थी. तो बाद एक डिसीजन बना मेरे से, पहले मेरे को एक बार लगा था, जैसे स्टार्टिंग में कई बार लगता है बिल्कुल डिफरेंट कंसेप्ट है हमारी लाइन से, है ना. जैसे आई वाज डूइंग माय फैशन डिजाइनिंग, है ना, फैशन डिजाइनिंग के अंदर कहाँ पर क्लोथ्स, ठीक है, कहाँ नेटवर्किंग, है ना, बहुत सारी डिफरेंशिएशन है नो डाउट. बट द थिंग इज कि नेटवर्किंग ऐसी चीज है जो मुझे उस टाइम पे क्लियर हुई कि हर कोई पर्सन कर सकता है, हर मतलब चाहे वो इंजीनियर है, ठीक है, चाहे वो क्या कहते हैं फैशन डिजाइनर है, चाहे वो मतलब डॉक्टर है, कोई भी है, हर कैटेगरी का पर्सन यहाँ पे सक्सेसफुल हो सकता है. ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी थी. तो मुझे ये था कि मैं भी यहाँ से कामयाब होंगे, ऑब्वियसली यार एक एक न्यू एबीसीडी है हम अपनी लाइफ में सीखते हैं, वो यहीं से ही सीख सकते हैं. डिसीजन ऐसे बनाया, ठीक है, मैं भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ठीक है, और फादर मेरे खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, करते करते ये चीज को क्लियर करते करते, है ना, आज यहाँ पे बैठे हैं, ठीक है. चीजों को एक बार डिसीजन बनाया था, औखा लगा था एक बार, मुश्किल लगा था कि कैसे होगा, बट करते 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 करते, ठीक है, वो सारी चीजें क्लियर हुई, क्योंकि यहाँ पे एक वाई क्लियर क्या थी कि करना तो है, लाइफ में कुछ करना है, और यहाँ से वो 1% होप दिख रही है जो मार्केट में कहीं नहीं दिख रही है, तो वो चीज यहाँ से सक्सेसफुल होकर लेके गई थी. प्रिया मैम आप बताओ. जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपने बारे में बताऊंगी. नाम प्रिया पठानिया है एंड बेसिकली मैं पठानकोट पंजाब से बिलोंग करती हूँ, राइट. और जैसे कि मैम आप दोनों ने बताया है ना कि जैसे आपको क्या अच्छा लगा, मैं आपको पर्सनली लेवल पे बताऊं तो फॉरएवर लिविंग का जो डिसीजन लेना मेरे लिए काफी टफ था, क्योंकि मेरी जो फैमिली है वो बैकग्राउंड जो उनका है वो आर्मी बैकग्राउंड है ना. मेरी फादर आर्मी रिटायर्ड है एंड मेरे ब्रदर जो एल्डर ब्रदर है वो आर्मी में क्लर्क है. तो वेरी स्ट्रिक्ट फैमिली आप बोल सकते हो. वैसे मिडिल क्लास फैमिली से ही मैं भी बिलोंग करती हूँ, कोई ऐसे कोई बहुत बड़ी फैमिली से नहीं हूँ. बट मुझे मैंने यहाँ पे कैसे स्टार्टअप करा, उससे भी पहले मुझे ना रिसर्च में बड़ी रहती थी कि आने वाले टाइम पे मैं किस चीज में मतलब अपना बेस्ट दूँ, किस चीज में मैं अपना टाइम इन्वेस्ट करूँ, जो भी. तो जैसे मैंने ग्रेजुएशन करी और मेरे जितने भी कजन्स थे, फ्रेंड्स थे, तो ग्रेजुएशन बीएससी नॉन मेडिकल के बाद सभी कोई एमएससी फिजिक्स में, एमएससी केमिस्ट्री, एमएससी मैथ्स, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला गया, है ना. तो हम सारे फ्रेंड्स एकदम से अलग अलग हो गए. तो
तो उस टाइम ना मुझे, जैसे मैंने आपको बताया कि रिसर्च में बड़ा रहता था कि मैं किस चीज में जाऊं, आने वाले टाइम पे क्या है, तो मैंने उस टाइम दो चार ऑप्शंस मेरे सामने आई. फर्स्ट वन इज बीएससी एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी है. सेकेंड था कि न्यूट्रिशन में मैं जाऊँ, है ना. थर्ड एक था कॉस्मेटोलॉजी का, जिससे था कि मैं कुछ ये कोर्सेज वगैरह करके बाहर जा सकती हूँ, है ना. तो वहां पे इसका अपॉर्चुनिटी थी मेरे पास नर्सिंग की. बट मेरी गलती गलती लगा लो या कुछ भी लगा लो, अभी तो मुझे फील होता है कि वैसे. बट उस टाइम क्या था कि मैं बीएससी नॉन मेडिकल कर चुकी थी. अगर मैं दोबारा से आने वाले टाइम पे मैं किस फील्ड में जाऊं, तो मुझे दोबारा से उसमें क्या करना पड़ना था, बीएससी करनी पड़नी थी, चाहे वो नर्सिंग है चाहे कॉस्मेटोलॉजी कुछ भी. तो ऑब्वियसली हम फैमिली की वो लेते हैं, तो फैमिली ने भी बोला कि नहीं कॉस्मेटोलॉजी, उनको लगता था कि नहीं वो फेशियल एंड ऑल, है ना, पार्लर एंड ऑल, वो चीजें वो बिल्कुल भी एलो नहीं कर पा रहे थे. तो मैंने फिर चूज करा न्यूट्रिशन फील्ड को. तो मैंने जालंधर से न्यूट्रिशन चाइल्ड केयर के कोर्सेज करे, तो कहीं ना कहीं मुझे न्यूट्रिशन की नॉलेज थी, इसी में मैं आगे फर्दर जाना चाहती थी. बट गुड लक मेरा ये था कि मुझे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल मिली आज से 3 साल पहले. तो जब मैंने देखा कि ये न्यूट्रिशन में डील कर रही है ना, वेलनेस रेवोल्यूशन में डील कर रही है, हेल्थ एंड वेलनेस इंडस्ट्री है, तो मैंने इसके बारे में काफी रिसर्च करी है, प्रॉपर बुक्स वगैरह रीड करी है. तो फिर मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन बनाया था. हेलो दोस्तों, दिस साइड मनप्रीत कौर. बेसिकली मैं पंजाब के अंदर एक छोटे से गांव से बिलोंग करती हूँ. दोस्तों जिस गांव से मैं बिलोंग करती हूँ वहां पे लड़कियों को बहुत ज्यादा आजादी नहीं है कुछ करने की. बट मेरे जो सपने थे वो शुरू से बहुत बड़े थे. मैं लाइफ के अंदर कुछ डिफरेंट करना चाहती थी, इसीलिए मैंने अपनी 12th एंड अपनी ग्रेजुएशन के अंदर बहुत मेहनत करी. और उसके बाद फॉरएवर लिविंग अपॉर्चुनिटी के बारे में मुझे पता चला, तो इसको अंडरस्टैंड करके मैंने रात दिन एक करके इसमें मेहनत करनी स्टार्ट करी. एंड 2 साल के हार्ड वर्क के बाद मैं अपनी फैमिली को एक छोटा सा सरप्राइज देने जा रही हूँ. सो लेट्स सी वो सरप्राइज क्या है. आप सबको कैसा लगा मेरा सरप्राइज? होप सो आप में से काफी सारे लोगों को मैंने इंस्पायर किया होएगा अपने पेरेंट्स को ऐसा सेम प्राउड फील करवाने के लिए. थैंक्स फॉर वाचिंग. मेरी जिंदगी के बीच में इतनी फ्रस्ट्रेशन था, यानी कि मेरे जिंदगी के हर टाइम में इतना स्ट्रगल देखे है कि साडी किसी ने बाह नहीं फड़ी यार. ठीक है, तो जदों साडा वक्त आया असीं भी किसी को नहीं पुछया. ਅਸੀਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਖੜਾ. ਪਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਹੰਕਾਰੀ. ਨਿੱਜੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ के स्टार्ट करें, क्योंकि मैंने भी 2CC किया था आज से 3 साल पहले और आज इसके साथ हूँ. आप सभी देख सकते हो और मुझे इवन खुद को यकीन नहीं हो रहा मैं इसके साथ हूँ. थैंक यू सो मच.
मिस मंजू मैम ने। हेलो मैम, कैसे हो? बढ़िया सर। आपने कितने मंथ पहले बिजनेस को स्टार्ट किया था? 2 साल पहले। सिर्फ 2 साल पहले? जी सर। और आपने कार की भी अचीवमेंट कर दी? बिल्कुल सर। क्या बात है, किसकी पावर है ये? ये सर 2cc की पावर है, फॉरएवर की पावर है। क्या बात। फ्रेंड यहाँ मतलब गलतियाँ बहुत करी। अब एक बार अलांटे में मुझे याद है, मैं इंटरव्यू के लिए गई थी, अनमोल सर ने मुझे देख लिया था वहाँ पर। और हुआ क्या, क्योंकि पता नहीं था कि यहाँ से इतना कुछ मिलना है, क्योंकि वाई नहीं क्लियर थी। क्योंकि सिंपल है, जब तक हम अपनी वाई अपनी करेंगे नहीं ना, अपने हमारे पास रीजन नहीं आएगा कि हम क्यों करना चाहते हैं फॉरएवर को, हमें समझ नहीं आएगा। बट एक दिन हुआ कि अपने मम्मा को देखा कि जॉब करते हैं, वो एक्स्ट्रा वर्क भी करते हैं, तो उनको फ्री करना था और अगले महीने से शायद उनको घर भी बिठा दो। मैम बताओ थोड़ा सा, इन्हें कुछ ऐसी चीज दो कि तो कैसा लग रहा है सभी को? हाँ जी, लानी है सभी ने अपनी भी। कब तक ला रहे हो फिर? देखो शुरुआत हो गई है 2020 की, है ना। शुरुआत की अगर बात कर, अब बात की जाए तो अभी 10 लाइंस लगने वाली है, और स्पेशली जितनी भी गर्ल्स खड़ी है उनके लिए तो यही है मैसेज कि देखो मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी बहुत अच्छे से कर सकते हो, है ना। और बॉयज के लिए यही है कि देखो अगर मैंने कर लिया तो अब तो बोलने की लोड ही नहीं है, आप तो बहुत कुछ कर सकते हो, है ना। देखो 2 साल पहले, 2 से सवा 2 साल पहले मैंने डिसीजन बनाया था, इस प्लेटफॉर्म में आई थी मैं। उसके बाद क्या चीज थी, उससे पहले जॉब क्या करती थी, 8-9 हज़ार की, 8-9 हज़ार की सैलरी जॉब के अंदर। अगर बात करें उसे, अगर हम इंटू भी करके देखें, 12 मंथ से इंटू करें अगर हम उसे 1 साल से, तब भी आपके सामने 1 लाख मुश्किल से बनता है ना। अब 1 लाख की सैलरी जब लगता है कि मैं कितने साल में ये अचीवमेंट ले पाती, कभी भी नहीं, और जॉब के अंदर पॉसिबल ही नहीं था। लेकिन इस बिजनेस की पावर है कि 2 साल के अंदर ये अचीवमेंट हो गई है कि 16.5 लाख की गाड़ी यहाँ से मैंने बाय कर ली है। तो देखो यहाँ तक पहुँचने का सफर आपको लग रहा है इजी है, देखो इजी कुछ नहीं होता, बट मुश्किल भी कुछ नहीं है, है ना। बस विश्वास होगा, कभी मैंने कमिटमेंट करी थी आज से 2 साल पहले की, जब हमने बिगनिंग करी थी, जब मैं एस लेवल पे होती थी, बोला था एक, आपने आई थिंक वीडियो भी वॉच की होगी वो, तो उसके अंदर क्या चीज़ थी कि मैं और मेरी पार्टनर मोनिका मैम, हम दोनों ने कमिटमेंट करी थी, एक्टिवा से स्टार्टिंग करी थी, जब हमने धूप के अंदर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया करते थे, उस टाइम हमने एक ही चीज़ बोली थी कि आने वाले टाइम पे हमारे पास खुद की कार्स होगी, लग्जरी कार्स होगी, बट वो ड्रीम भी पूरा हो गया। सपना पूरा करने वाली है, तो एक कमिटमेंट की पावर होती है। तो आप सभी भी एक कमिटमेंट करो कि देखो अगर कमिटमेंट रखो, एक ड्रीम बनाओ, और ड्रीम सच में पूरे होते हैं, क्योंकि आप सभी के पास ना वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी आ गई है फॉरएवर लिविंग। इससे कोई ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म ही नहीं है, आपके सपने होने चाहिए, पूरे ये प्लेटफॉर्म कर देगा। तो ड्रीम लेना स्टार्ट करो, बनाना स्टार्ट करो, चार्ट के ऊपर गोल बनाओ, और फिर गोल के ऊपर वर्क करना स्टार्ट करो सारी की सारी। ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इससे भी बड़ी बड़ी चीज़ें यहाँ से पॉसिबल है। और मैम किस सिस्टम से हो सकती है? सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली, जिसका नाम वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। और कुछ तो यही है, देखो लोग बहुत कुछ बोलेंगे आपको, लोगों की बात मत सुनना, क्योंकि लोग ना आपको पीछे खींचने के लिए बैठे हुए हैं, वो यही चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में कभी कुछ ना करो, है ना। वो कुछ खुद कुछ नहीं कर पाए तो आपको भी नहीं चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो। तो वही चीज़ है, नेगेटिव लोगों को छोड़ो, वही है कि अपना माइंडसेट स्ट्रांग रखोगे ना तो सब कुछ आप पॉसिबल कर लोगे। मुझे भी सुनाते थे, क्योंकि जब मैंने स्टार्टिंग करी थी ना आप लोगों की तरह, जब मेरा AS लेवल हुआ था, तो मुझे बहुत सारे लोग बोला करते थे, हाँ जी कब आ रही आपकी गाड़ी, मतलब ना मुझे पिंच करते थे। और क्या चीज़ है कि आप लोगों को भी सेम चीज़ें सुनने को मिलती होंगी, है ना। कहाँ फंस गए हो, बेवकूफ बनाने का काम है, चेन बनाने का काम है, बहुत सारी चीज़ें तो सेम मैंने भी सुनी है, और यहाँ पे जितने भी लोग बने हैं ना सभी ने सुनी है, मेरी टीम के सारे डायमंड बैठे हुए हैं उस साइड, सभी ने सुनी है सारी सारी की सारी नेगेटिविटी। तो नेगेटिविटी को तो फेस आप सभी को करना पड़ेगा, और अगर आप कर रहे हो ना, इट मीन्स यही है कि आप सही रास्ते पे, सही ट्रैक पे चलो, और बड़ी जल्दी आपको सक्सेस मिलेगी। कहते हैं ना कि चैलेंजेस बढ़ जाए तो समझ लो आप अपनी सक्सेस के बहुत ज़्यादा नियर हो, ठीक है। बाकी यही है कि देखो, वही है कि अगर कोई कुछ बोलता है ना तो उसको बुरे में मत ले।
याद दिला रहा है, आपका पर्पस स्ट्रॉन्ग कर लो तो आपको लोगों की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसके बाद फिर स्पेशली फॉर गर्ल्स है ना, बहुत सारी चीजें हमें देखनी पड़ती है, चाहे वो फैमिली के रिलेटेड हो, चाहे वो है ना किसी भी चीज से सोसाइटी के रिलेटेड हो। बट जब हमने एक स्टेप उठाया है, जब हमने है ना एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन बनाया है, तो आई नो स्ट्रगल्स आएंगे, बट ट्रस्ट भी उसके बाद की जो लाइफ है अपना मैनेजर डन करो, अपनी जल्दी जल्दी अचीवमेंट्स करो एंड मिलते हैं जी नेक्स्ट इवेंट के अंदर। मैम जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया था आप अकेले थे।